दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिथिलेश। और आइए आज बात करते हैं जूम लैंड 80 टन क्रेन JTC 800 के कुछ ऑपरेटिंग फंक्शन के बारे में। तो आइए हम अब बात करेंगे अविनाश जी से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अविनाश कुमार साव, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका क्रेन ऑपरेटर। मैं आपको इस 80 टन जूम लाइन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बाबा MS बाबा क्रेन चैनल के माध्यम से, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारे बताए हुए वीडियो से अगर आप संतुष्ट हैं, ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए मैं आपको बताता हूँ 80 टन जूम लाइन के बारे में कुछ। सबसे पहले हम ड्राइविंग के बारे में कुछ जानते हैं। ऐसे तो सबको पता ही है, लेकिन जिन भाइयों को नहीं पता है उनके बाद मैं कुछ बताता हूँ। चलिए हम ड्राइविंग केबिन में आ गए हैं। हमारा आगे का डिस्प्ले ऑन है, धूप होने की वजह से आप बराबर क्लियर कुछ नहीं आ रहा है। चलिए बता देते हैं, ये तो हमारा सबको पता है, जिनको नहीं पता है वो देख ले, अपना हैंड ब्रेक है। आगे वो करेंगे तो अपना हैंड ब्रेक ऑफ हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा। पीछे करेंगे तो ये हैंड ब्रेक लग जाएगा। तभी हमारा हैंड ब्रेक लगा हुआ है और अपना गियर है, देख सकते हैं आप। ये हमारा लाइट का स्विच वगैरह है, ये हमारा 4x4 का है, ये हमारा PTO है जो कि अभी लगा हुआ है, क्योंकि हमको ऊपर वाले केबिन के फंक्शन के बारे में जानना है। तो जब तक यहाँ PTO नहीं लगा रहेगा तब तक ऊपर का फंक्शन या सिस्टम ऑन नहीं होगा, इसलिए हमारा अभी PTO लगा हुआ है। इसका PTO 4 नंबर में लगता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर नए हैं तो। ये देखिए हमारा आउटरिगर का पूरा ड्राइंग दिया गया है, समझाया गया है, ठीक है। ये हमारा मास्टर लीवर है रेड, ये हमारा आगे वाला जग का है, और ये अपना चारों आउटरिगर और जग का सिस्टम नीचे इसी में दिया गया है, और उधर भी है। नीचे करेंगे तो हमारा जैक का है, ऊपर करेंगे तो आउटरिगर का है, ठीक है दोस्तों। अभी हमारा जग लगा हुआ है, मतलब जगह पे ही है। ये इसका टोटल काउंटर वेट है 5 टन फिक्स काउंटर वेट है, प्लस 3 टन है, 8 टन इसका टोटल काउंटर वेट है। तो आप देख सकते हैं ये जो भी है हमारा टोटल काउंटर वेट अभी इस टाइम लगा हुआ है। तो आइए अब हम चलते हैं ऊपर केबिन में और आप लोगों को ऊपर केबिन का फंक्शन बताते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं ऊपर वाले केबिन में, अब मैं देखता हूँ इसके बारे में कुछ, क्या इसका प्रोग्राम है। ये हमारा पावर का है, इंजन स्टार्ट का है, इंजन स्टॉप का स्विच दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो हम अभी सिर्फ इस लाई ऑन करेंगे, तो ऑन करने के लिए पावर वाले जो स्विच है इसको पुश करेंगे। तो हमने पुश कर दिया है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सिस्टम अपडेट होने में टाइम लगता है, देखिए अपडेट हो रहा है। F8 दबाकर हम बैक जाएंगे, साउंड अभी ऑफ कर देते हैं हम, ठीक है। आपको दिख रहा है अभी आउटरिगर निकला ना, ये आउटरिगर का बताएगा, ठीक है। अपना ये 6 फॉल्स अभी है वो बता रहा है, जग पे लगा हुआ है, मतलब 5वां जग का ये है, और ये अपना काउंटर वेट जो 8 टन लगा हुआ है वो बता रहे हैं, यहाँ शो कर रहे हैं। ये एक्चुअल वेट बताएगा, मैक्सिमम सेफ लोड बताएगा, ये एक्चुअल वेट जो आपने उठा रखा है वो बताएगा। अभी देखिए अभी हमारा बता रहा है, मतलब 600 kg का अपना हुक है, ब्लॉक है वो बता रहा है। हाइट बताएगा, ये डिग्री वगैरह सब देख सकते हैं। बेसिक बूम इसका 12.4 है, ठीक है। अभी डीजल उजल सब परसेंटेज में बता रहा है इसका, देखिए 4.0% है डीजल। टेम्परेचर वगैरह सब बताएगा आपको इधर।
चलिए अब सिस्टम के बारे में जानते हैं। ये आपका इमरजेंसी स्टॉपर हो गया, जैसे कि आपको पता ही होगा। और ये हमारा स्विच है, अगर हमारा स्विच इधर को घुमा हुआ है तो मतलब हमारा टेली इन आउट होगा, अगर इधर को कर देते हैं तो हमारा बूम डाउन अप होगा, ठीक है। तभी हम बूम अप डाउन में रखेंगे, क्योंकि हमारा अभी बूम डाउन में है, तो बूम डाउन में ही रखते हैं, सिस्टम में रखते हैं, डाउन अप में ही रखते हैं। अभी आते हैं इस स्विच के बारे में। ये स्विच अगर इधर रहेगा तो आपका फर्स्ट टेली निकलेगा, जैसे कि हमको हेवी लोड उठाना है तो हम फर्स्ट टेली निकालते, उसके लिए दिया गया। और इधर कर देंगे तो अपना सेकेंड थर्ड फोर्थ चार पीस में इसका बूम है। इसका टोटल बूम लेंथ है 47 मीटर समथिंग है, 47 मीटर ही है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया दोस्तों। और अपना ये इंजन स्टॉपर हो गया बंद करने के लिए, इंजन स्टार्ट का ये स्विच हो गया, तो यहाँ तक तो क्लियर। ये स्विच है अपना केबिन अप डाउन का है, एक तरफ करेंगे तो केबिन डाउन होगा, दूसरे तरफ केबिन उठेगा। और ये सब आप देख सकते हैं मार्क जो दिया हुआ है चीन, ये अपना एक जो है बूम का निकलने का है, दूसरा अड़िया हाविस का है। दोस्तों इस लीवर को अपने दहिने साइड अगर करेंगे तो बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ करेंगे तो उसमें हमारा बूम डाउन होगा, और अपने तरफ खींचेंगे तो बूम ऑफ होगा। और इसी में जो है हमारा बूम भी है, चेंजर जो बताए थे वो चेंज करेंगे स्विच से तो बूम निकलेगा इसी लीवर से। आगे पीछे करेंगे तो अड़िया हाविस होगा, यानी कि आगे अड़िया और पीछे हाविस। और ये दूसरा साइड का जो लीवर है आप देख सकते हैं, इसमें लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट स्विंग, राइट करेंगे तो राइट स्विंग, और आगे करेंगे तो एक जगली हूँ कड़िया होगा, और पीछे करेंगे तो एक जगली हूँ कड़िया होगा। उसका स्विच है अलग से, और ये हॉर्न हो गया, ये हमारा हॉर्न है। और ये देख सकते हैं हमारा ऊपर में लाइट है, वाइपर है, हेडलाइट है, केबिन लाइट है, ये टोटल लाइट वगैरह है हमारा। और ये हमारा एसी का हो गया टोटल स्विच, और ये हमारा लोड चार्ट हो गया, ये देख सकते हैं आप लोड चार्ट। तो दोस्तों भी आगे वीडियो, मैं जो भी वीडियो में आपको बताया हूँ, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि वीडियो में आपको समझ में आया हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।